स्टूडेंट माय सेल्फ योगेश चलवंशी फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री इन रेजोनेस डिवीजन एंड टुडे वी आर हियर डिस्कसिंग एन टी एस स्ट्रेस टू केमिस्ट्री पार्ट सो वे केमिस्ट्री पार्ट क्वेश्चन टू 26 टोटल 13 क्वेश्चन सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन से द क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ स्ट्राइक्योमेट्रिक कोफिशियंट एम एक्स वाई जेड इन दॉलोविंग रिएक्शन आपको रिएक्शन गिवन है इसमें आप देख सकते हैं ये इसकी जो स्टॉइकियोमेट्री वैल्यू है वो अपन को फाइंड करनी है आफ्टर बैलेंसिंग बैलेंसिंग के बाद जो भी स्टॉइकियोमेट्री वैल्यू आएगी वो हमको फाइंड करनी है सो so, अगर हम रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन आपके पास इस तरीके की है NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 राइट इसको आप हीट करोगे तो ये डीकंपोज हो जाता है किसमें Cr2O3 प्लस एन टू नाइट्रोजन प्लस एच टू ठीक है देन यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन अब अगर हम इसका वन कंसिडर करते हैं तो सिंपली नाइट्रोजन के मोलिक्यूल यहां पर कितने आ जाएंगे सपोज इसका कॉफिशियंट जो है आप वन कंसिडर कर लो है ना कॉफिशियंट आपने कंसिडर किया है वन नाइट्रोजन के एटम्स हो जाएंगे आपके पास टू सो हियर नाइट्रोजन ऑलरेडी टू एटम्स प्रेजेंट है

तो इसका कोफिशियंट हो जाएगा वन इधर हो जाएगा वन और इधर हो जाएगा फोर और ये कोफिशेंट आपको थर्ड ऑप्शन में मिल रहे हैं ठीक so right? है सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी थर्ड ऑप्शन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन रिएक्शन आपको गिवन है टू एस टू एस प्लस एस टू गिव थ्री एस प्लस टू एच टू इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है H2O H2O आपको एच टू देखना है सिंपली है कितने मोल ऑफ एच टू एस से टू मोल ऑफ एच टू एस राइट सो अगर मैं यहां पर कोफिशिएंट वन लेता हूँ तो एच टू एस के वन मोल से एच टू वो कितना बनेगा वन मोल सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अब आपसे करेक्ट नहीं पूछा है ना आपसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट फाइंड करना है आपको आंसर में राइट right? सो so, ये तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता राइट right? चलो आगे बढ़ेंगे थ्री ग्राम ऑफ सल्फर इज प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी ग्राम ऑफ एसओ टू कंज्यूम थ्री ग्राम सल्फर बन रहा है जब एसओ टू का वन ग्राम कंज्यूम हो रहा है तो हम अकॉर्डिंग टू स्टाइक्योमेट्री यहां पर हम फाइंड कर लेते हैं कि कितने ग्राम सल्फर फॉर्म होगा जब हम वन ग्राम एसओ टू कंज्यूम करेंगे so, सो अगर, तो अगर मास के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो वन मोल एसओ टू का मास हो जाएगा सिक्सटी फोर ग्राम सिक्सटी फोर ग्राम एसो टू से ये कितना बन रहा है थ्री इन टू सल्फर कटोम सिंपली अगर आप देखोगे यहां से मैं अगर फाइंड करूं कि वन ग्राम एसओ टू में ले रहा हूं तो कैलकुलेशन आफ्टर कैलकुलेशन आप देखोगे आपके पास थ्री बाई टू ग्राम सल्फर आ जाएगा जबकि स्टेटमेंट में आपको क्या बोला गया है थ्री ग्राम ऑफ सल्फर इज प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी ग्राम ऑफ एसओ टू कंज्यूम ये एवरी का मतलब हो गया वन ग्राम एसो टू तो वन ग्राम एसो टू से आपने कितना बन रहा है थ्री बाई टू ग्राम सल्फर सो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा हमको फाइंड क्या करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है बाकी के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट रहेंगे राइट right? सो so, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नंबर नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन यू आर प्रोवाइडेड विद एक्वर सोल्यूशन ऑफ थ्री सोल्ट ए बी एंड सी और इसमें आपने एड कर दिया टू टू थ्री ऑफ ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड लिटमस सोल्यूशन देट आर द इंडिकेटर टर है आपने ये इंडिकेटर्स यहाँ पर एड किए हैं ठीक है द the कलर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर वर रिकॉर्डेड इन द फॉलोविंग टेबल जो भी चेंजेस हो रहा है कलर में वो एक टेबल में आपके सामने प्रेजेंट है लाइक जैसे ए है जो आपका सोल्ट है ए ब्लू लिटमस के साथ ये कोई भी चेंज शो नहीं कर रहा है रेड लिटमस के साथ ये ब्लू हो रहा है ठीक है और फिनोफिलीन के साथ ये पिंक कलर प्रोड्यूस कर रहा है सो so, ऑब्वियस हो गया कि यहां से मेरे पास ए क्या हो जाएगा अगर ये फिनोफिलीन के साथ पिंक कलर प्रोड्यूस कर रहा है दैट मींस ए विल बी बेसिक ठीक है नेचर कैसी हो जाएगी बेसिक नेचर कंसिडर करते हैं बी को बी ब्लू लिटमस के साथ कोई चेंज शो नहीं कर रहा है नो no चेंज रेड लिटमस के साथ नो no चेंज और फिनोफिलीन के साथ नो no चेंज अब ऐसा आपका तभी पॉसिबल है जब वो न्यूट्रल हो ठीक है तो बी जो सोल्ट होगा ये क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल राइट चलिए थर्ड सी सी में ब्लू लिटमस जो है रेड कलर का हो रहा है आपका रेड लिटमस में नो no चेंज है और फिनोफली में कोई चेंज नहीं है उसके कलर में सो so, अगर फिनोफलीन में कोई चेंज नहीं है तो ऑब्वियस है कि आपके पास जो सी सोल्यूशन होगा ये कैसा होगा एसिडिक अब आपको बस ये फाइन करना है कि इसके अकॉर्डिंग जो आपका जो आंसर रहेगा वो इसके अकॉर्डिंग रहेगा दैट मीन ए आपका बेसिक नेचर वाला होना चाहिए बी आपका न्यूट्रल नेचर वाला होना चाहिए और सी आपका एसिडिक नेचर वाला होना चाहिए तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो यहां पर जैसे आप इसको कंसिडर करते हो सोडियम एसिडेड को ऑब्वियस है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ सोल्ट है तो इसकी नेचर जो कैसी आ जाएगी वो बेसिक आ जाएगी राइट तो ये आपका बेसिक हो जाएगा ए बी की अगर बात करेंगे एनएसएल स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस से बना हुआ है सो ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल सोल्ट और सी एफ ई सी एल थ्री स्ट्रॉ एसिड से बना हुआ है सो so, इसकी नेचर आपकी हो जाएगी एसिडिक सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सेकेंड ऑप्शन राइट चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट मेथड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ द गिवन मिक्सचर राइट आपको अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सर है तो स्टेटमेंट आपको फाइन करना है कि कौन सा करेक्ट है ठीक है ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना नोट करेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट आपको है मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सोडियम क्लोराइड आई टू एंड एन एस सी एल का मिक्सचर है इसको आप सब्लिमेशन सेपरेट कर सकते हैं या नहीं सो ऑब्वियसली आयोडीन जो हमारे पास जो है वो सब्लिमेबल होता है यहां पर आयोडीन क्या हो जाएगा सब्लिमेबल सो so, आप सब्लिमेशन से इसको सेपरेट कर सकते हो है ना सब्लिमेशन से अगर हम सेपरेट कर रहे हैं तो उसका प्रिंसिपल यही होता है कि वन कंपोनेंट शुड बी सब्लिमेबल एंड अदर शुड बी नॉन सब्लिमेबल तो एन आपके पास क्या होगा नॉन सब्लिमेबल हो जाएगा राइट सो so, इस मिक्सचर को हम सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं नेक्स्ट प्लांट पिगमेंट बाय क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है वो डिफरेंट कलर को सेपरेट करने की टेक्निक है राइट सो प्लांट पिगमेंट डिफरेंट टाइप के पिगमेंट अगर प्रेजेंट है तो हम उनको क्रोमेटोग्राफी से इजीली सेपरेट कर सकते हैं ठीक है चलिए तो ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है ये भी करेक्ट है तो आपका ये दोनों तो आंसर होने से रहे राइट right? चलिए आगे बढ़ेंगे मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर बाय सेपरेटिंग फनल दैट मींस एसिटिक एसिड और वाटर का अगर मिक्सचर है तो उसको आप सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हो या नहीं सो ऑब्वियसली सेपरेटिंग फनल हम तब यूज करते हैं जब डिफरेंस इन डेंसिटी हो और इमिसिबल लिक्विड प्रेजेंट हो इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर प्रेजेंट हो यहां पर एसिटिक एसिड और वाटर जो है ये मिसेबल लिक्विड है मतलब जो मिक्सचर बनेगा वो मिसेबल रहेगा तो हम इसके लिए सेपरेटिंग फनल यूज नहीं करेंगे तो आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगा नोट करेक्ट हो जाएगा राइट नेक्स्ट ऑक्सीजन आर्गन एंड नाइट्रोजन फ्रॉम एयर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑब्वियस है हम एयर में जो भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन और आर्गन प्रेजेंट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट करते हैं ठीक है तो इजीली आप फ्रैक्शनल डिस्टलेशन से सेपरेट कर सकते हो तो जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आया है वो कौन सा आया राइट तो right? चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 18 द कंपाउंड ए व्हेन ट्रीटेड विद एल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट है ना कोई भी कंपाउंड है ए इसको आप ट्रीट कर रहे हो एल्कलाइन केमेनो फोर जैसे ये आपका कंपाउंड है ए इसको आप ट्रीट कर रहे हो एल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट केमेनो फोर ठीक है गेउस बी इससे क्या बन रहा है बी बन रहा है आपका कंपाउंड यहां पर बन रहा है बी एंड विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड दैट मीनस ए को अगर हम ट्रीट कर रहे हैं कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो हमारे पास बन रहा है सी एंड डी सी प्लस डी बनता है द कंपाउंड ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली आपसे ये कंपाउंड पूछे कि ए बी सी और डी क्या हो सकता है ऑप्शन आपके सामने हैं सो so, ऑप्शन में अगर हम कंसिडर करेंगे तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन हो रही है दैट मीन्स आप यहां पर देख लो जैसे आपने एल्कोहल ले लिया इथाइल एल्कोहल सी टू एच फाइव ओ एच इसको अगर आप एल्कलाइन केमिनो फोर के साथ में ट्रीट करते हो है ना एल्कलाइन पोटेशियम पर के साथ में अगर आप ट्रीट करते हो तो आपका कंपाउंड बन के आ जाता है सी एस थ्री सी डबल दैट मीन एसिडिक एसिड ठीक है देन अगर आप C2H5OH एथाइल एच एल्कोहल को कंसनट्रेट एसिड के साथ कंसनट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट करते हो तो आपका जो कंपाउंड बनता है वो रह जाता है C2H4 है ना इथिन बन जाएगा आपका राइट और यहां पर डिहाइड्रेटिंग डीहाइड्रेटिंग एजे, एजेंट की तरफ वर्क करता है H2SO4, तो वाटर मोलिक्यूल जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो ये कंपाउंड बनेगा ये आपका सी हो जाएगा और साथ में जो वाटर बनेगा वो डी हो जाएगा राइट तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा सो so आप फाइंड कर सकते हो इजीली थर्ड ऑप्शन में ये हमारे सारे आंसर प्रेजेंट है सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी थर्ड ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर केमिकल रिएक्शन गिवन इन द लिस्ट फर्स्ट विद द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिवन इन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑप्शन रिएक्शन गिवन है आपको टाइप फाइन करना है कि वो जो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट प्रेजेंट है या जो कंडीशन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग किस टाइप की रिएक्शन होगी सो फर्स्ट आपको दे रखा है इथाइलकोल एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के टू सी एसिडिफाइड के है अब ये है इथाइल एल्कोहल इथाइल अल्कोहल में अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हो तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन होती है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन ठीक है सेकंड देखेंगे सी टू एच में आप हाइड्रोजन एड कर रहे हो हाइड्रोजन एड कर रहे हो निकेल कैटालिस के प्रेजेंस में सो so, रिएक्शन हो जाती है आपकी एडिशन रिएक्शन ठीक है ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी एडिशन रिएक्शन हो जाएगी थर्ड रिएक्शन आपको गिवन है मीथेन सनलाइट प्रेजेंस में यहां पर क्या हो जाएगा सब्सटीट्यूशन हो जाएगा मतलब एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा और सीएल हो जाएगा तो हम इसको बोल देंगे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो इसमें आ जाएगा आपका डी ऑप्शन एंड फोर्थ सी एच मतलब एथाइल को आपको दे रखा है

डी आ रहा है तो डी सब्सिटन और फोर्थ हो जाएगा आपका बी एलिमिनेशन ठीक है तो इस तरीके से हमको फाइंड करना है ओनली टाइप ऑफ रिएक्शन आपको यहां पर देखना है राइट चलिए ये क्वेश्चन क्वेश्चन कंप्लीट होता है नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू बीकर्स ए एंड बी कंटेंट्स आयरन सल्फेट आयरन सल्फेट दैट मींस FeSO4 एंड इन द बीकर ए एंड बी स्मॉल अमाउंट ऑफ पीसेस ऑफ कॉपर एंड जिंक आर प्लेस्ड दैट मीन ए में आपका कॉपर प्रेजेंट है ये बीकर ए हो जाएगा ये बीकर बी हो जाएगा ए में क्या प्रेजेंट है आपका सी यू कॉपर बी में क्या प्रेजेंट है जिंक. अब इसमें पहले से ऑलरेडी आपने क्या ऐड कर रखा है आपने ऐड कर रखा है एफ एस दोनों सोल्यूशन में फेरस सल्फेट आपने ऐड कर रखा है ये दोनों बीकर जो है आपके ए एंड बी इनमें प्रेजेंट है

ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा है जिंक इज मोर एक्टिव मेटल फॉलोड बाय आयरन एंड देन कॉपर दैट मींस इसमें रिएक्टिविटी देखनी है अगर आप देखो सिंपली यहां पे देखोगे एफ एसओ का सोल्यूशन आपने यूज किया दोनों बीकर में और सेकेंड बीकर में आप यूज कर रहे हो जिंक तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ओवे वैसे जिंक क्या करेगा यहां पर जिंक क्या कर रहा होगा यहां पर एफ में से एफ को डिस्प्लेस कर देगा सो so, अगर आप रिएक्शन देखोगे जिंक प्लस एफ ओ फोर सो यहाँ से रिएक्शन क्या हो जाएगी जेड एन एसओ फोर प्लस एफ तो ये रिएक्शन हो जाएगी अगर आप सेम प्रोसेस देखोगे रिएक्शन यहाँ पे देखोगे बीकर ए में तो बीकर ए में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही होगी क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम होती है और यही हमको फाइंड करना था क्वेश्चन में कि रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो फाइंड करना है सो so, जिंक आपका सबसे टॉप पर हो जाएगा ठीक है सबसे ज्यादा रिएक्टिव उसके बाद आयरन और उसके बाद कॉपर और ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपको मेंशन है कि जिंक इज मोर एक्टिव मेटल फॉलोड फॉलोड बाय बाय आयरन एंड कॉपर सो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा बाकी के स्टेटमेंट रोंग हो जाएंगे राइट सो so, ये इसका सोल्यूशन हो जाता है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन सल्फर के बारे में सल्फर पाउडर इज हीटेड ऑन स्पेचुला सल्फर को आप हीट कर रहे हो के साथ में अ पीस ऑफ बोथ मॉइस्ट ब्लू

जैसे सल्फर सल्फर को अगर आप हीट करोगे तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी टू, राइट टू की जो जो नेचर नेचर होती है 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 आप अगर आप इसको वाटर में करते हो इसकी है, एसिडिक आएगी है ना ये एसिड फॉर्म कर रही है इसलिए एक, ये जो ऑक्साइड होगा ये कैसा हो जाएगा एसिडिक ऑक्साइड ठीक है अब ऑब्वियस एसिड एसिड क्या करता है ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन, कन्वर्ट कर रहा होता है सो so, मॉइस्ट अगर आप ब्लू लिटमस पेपर इसके पास ले जा रहे हो या उसके वहां पर ले जा रहे हो जो टेस्ट ट्यूब है तो वो उसको क्या कर देगा रेड में कन्वर्ट कर देगा सो ब्लू लिटमस पेपर बिकम्स रेड है ना सिंपल आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन कि ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ये हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 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 आगे बढ़ते हैं की तरफ नंबर ट्वेंटी टू टू सैंपल्स ए एंड बी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग एलिमेंट एक्स एंड वाई आर ऑप्टेन फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस ठीक है आपका दो अलग अलग सैंपल आपको दे रखे हैं ए एंड बी दो सैंपल हैं इसमें क्या प्रेजेंट है एक्स एंड वाई टू डिफरेंट सोर्सेज फाइव ग्राम ऑफ सैंपल ए कंटेन अब इसका फाइव ग्राम है ठीक है इसके फाइव ग्राम में जेड कितना है वन पॉइंट टू फाइव ग्राम जैसे टोटल फाइब्राम आपने लिया फाइब्राम में जेड कितना है ग्राम, इसमें आपका सेवेंटी फाइव परसेंट क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा बाई वेट दिस इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोविंग लो अब आपको ये फाइंड करना है कि ये जो

सिंपली अगर आप देखोगे यहां से फाइव ग्राम में से टोटल में से अगर आप वन पॉइंट टू फाइव ग्राम माइनस कर दो दैट मीन्स जो फाइव ग्राम सैंपल है टोटल उसमें से आपने जेड का अमाउंट माइनस कर दिया तो आपके पास आएगा क्या आपके पास आ जाएगा वाई का अमाउंट राइट तो वाई आपके पास कितना आएगा थ्री पॉइंट सेवन फाइव ग्राम ये वाई का अमाउंट आ जाएगा ठीक है इस तरीके से अब आप इधर सपोज कर लो ठीक है सपोज कर लो कि बी का जो आपको टोटल सैंपल दे रखा है वो फाइव ग्राम है ठीक है ये टोटल सैंपल हो गया ये आपने सपोज किया है इसमें 75% परसेंट बाई वेट क्या है वाई सो फाइव का आप सेवेंटी फाइव परसेंट निकाल लो फाइव इंटू सेवन फाइव परसेंट यह आपके पास क्या जाएगा? Y आ जाएगा वाई का अमाउंट आ जाएगा ठीक है इसको आप सोल्व करोगे तो वाई का अमाउंट आ रहा होगा थ्री पॉइंट सेवन फाइव ग्राम दैट मीन्स y का अमाउंट यहां पर जितना आ रहा है उतना अमाउंट ही यहां पर आ रहा है ठीक है z यहां पर कितना है 1.25 तो z यहां पर भी आपका कितना आ जाएगा 1.25 ठीक है तो अगर आप कंपोजिशन देखोगे ये हमने सपोज किया कि टोटल ये 5 ग्राम है ऐसा क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ठीक है तो अगर आप प्रोपोर्शन यहां पर देखोगे तो लगभग इक्वल मतलब आपका सेम प्रोपोर्शन आ रहा है ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपके पास एग्जाम्पल uh, है इलस्ट्रेशन है वो रहेगा लो ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का ठीक है क्योंकि प्रोपोर्शन फिक्स है अकॉर्डिंग टू द रेशियो जो हमको रेशियो गिवन है उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा लो ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल देते हैं ठीक है तो ये इस तरीके से आपको आंसर निकालना है इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट लो ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ

और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन हो जाएगा टू एट सेवन राइट यहां से आप इसके वैलेंसी फाइंड कर लो अगर आउटोमोस शेल में थ्री इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी थ्री आउटोमोस शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी वन है ना एट माइनस करके निकाल लेते हैं अगर मोर देन फोर है तो लेस देन फोर है तो वही वैलेंसी हो जाती है जितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं फिर जब हम फॉर्मूला फाइंड करते हैं तो हम करते क्या है जो भी वैलेंसी होती है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स की वैलेंसी आ रही है आपकी कितनी थ्री वाई की वैलेंसी कितनी आ रही है राइट क्रॉस right? आप करोगे तो यह आ जाएगा एक्स वाई थ्री आपका फॉर्मूला तो क्या आ गया एक्स वाई थ्री ठीक है अब आपको एक्स वाई थ्री जो है फॉर्मूला आपको दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में और सेकेंड ऑप्शन में दैट मीन आपको अब टाइप ऑफ बॉन्ड भी फाउंड करना पड़ेगा या टाइप ऑफ कंपाउंड भी फाइंड करना पड़ेगा ठीक है तो आपके पास दो ऑप्शन है आयोनिक और कोवेलेंट तो अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं कि जो एटॉमिक नंबर थर्टीन है वो किसका हो जाता है एल्यूमिनियम का है ना और सेवनटीन है वो किसका हो जाता है सीएल तो यहां से जो कंपाउंड आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा ए एल सी एल थ्री एल्यूमिनियम क्लोराइड और ऑब्वियसली एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा क्योंकि अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ऑब्वियस आयनिक बॉन्ड रहेगा तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन एक्स वाई थ्री आपका फॉर्मूला हो जाएगा केमिकल फॉर्मूला और जो टाइप ऑफ कंपाउंड या टाइप ऑफ बॉन्ड आ रहा होगा वो कैसा हो जाएगा आयोनिक चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है वहां से आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है ठीक है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन सिक्स सी ट्वेल्व एंड सिक्स सी फोर्टीन आर बार और बार में क्या होता है जो मास नंबर होगा वो सेम रहेगा लेकिन यहां पर क्या है तो लेकिन यहां पर नंबर सेम है। सो ये आईसो बार नहीं होंगे आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया ठीक है इनकरेक्ट फाइन नहीं करना है करेक्ट फाइन करना है सेकेंड देखेंगे 16, मतलब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है टू फॉर्म अ प्रोडक्ट विच कंटेंस आयनिक बॉन्ड अब कार्बन ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो सी टू बनता है है ना और अगर दो नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड की बात करेंगे तो आयनिक बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होगा कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है सो आपका ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया ठीक है थर्ड स्टेटमेंट ट्वेंटी कैल्शियम फोर्टी एंड एटीन आयोटी आर आईसो बार ऑफ हिसर अभी आईसो बार का बारे में अपने डिस्कशन किया कि आइसो बार में क्या रहेगा मास नंबर सेम रहेगा सो यहां पर अगर आप देखोगे तो मास नंबर क्या है सेम है So, ये क्या हो जाएंगे आइसोबार दैट मीनस ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है चलिए आगे बढ़ेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है ठीक है तो यहां पर अपन देख लेते हैं कैल्शियम अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये बन जाता है आपका सी ए ठीक है एक्वा सोल्यूशन इज नॉन एज अब इसका जो एक्वा सोल्यूशन है सी ए का अगर आप एक्वा सोल्यूशन बनाओगे तो ये हो जाता है सी एच होल्ड वाइस जिसको आप क्या बोल देते हो लाइम वाटर स्लिक लाइम ठीक है तो मतलब आपका फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है राइट right? तो आपका थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट हो गया और ये आपको ऑप्शन थर्ड में गिवन है सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ठीक है

क्यों इंक्रीज होगी क्योंकि है नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज होता रहता है ठीक है सिंपल अगर हम देखेंगे तो टू डाउन मूव कर रहे हैं तो एटोमिक साइज या रेडिया जो है वो इंक्रीज हो रही है सो so, यहां से अगर मैं ऑर्डर निकालने की कोशिश करूंगा तो लिथियम की जो साइज होगी उससे ज्यादा साइज आ जाएगी किसकी सोडियम की सोडियम से ज्यादा पोटेशियम की पोटेशियम से ज्यादा रूबीडियम की और रूबीडियम से ज्यादा सीजियम की अब आपको इसमें से जो एलिमेंट गिवन है वो ऑप्शन निकाल लें ठीक है थीके? तो आपको सेकेंड में अगर आप देखोगे

टिंग द कानेटिक एनर्जी ऑफ फार्टिकल इन सोलिड डेंज बेविक लेकिन जब आप उसको हीट करते हो तो कॉनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है ठीक है हमसे यही बोला है ऑन हीटिंग द कानेटिक एनर्जी ऑफ फार्टिकल इन सोलिड डज नॉट चेंज तो ये तो इनकरेक्ट हो गया ठीक है चलिए सेकंड स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं किसी स्टेट को तो उसको भी हम सब्लिमेशन बोलते हैं और अगर गैस से वापस सॉलिड बना रहे हो तो उसको भी हम सब्लिमेशन बोल रहे होते हैं तो यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा थर्ड स्टेटमेंट uh, की तरफ मूव करते हैं द मोमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कोल्ड डिफ्यूजन डिफ्यूजन की डेफिनेशन हमारे पास यही होती है कि अगर कोई पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप ऑन देयर ओन मूव कर रहा है तो हम उसको डिफ्यूजन बोल देते हैं सो so, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा लास्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द टेंपरेचर इवेपोरेशन टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मतलब अगर आप टेंपरेचर इंक्रीज कर दोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है तो अगर ये देखा जाए तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है तो यहाँ से आपको ट्रू स्टेटमेंट और करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है तो सेकेंड और थर्ड आपको दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में तो ये आपका आंसर हो जाता है फोर्थ ऑप्शन ठीक है और ये आपका केमिस्ट्री पार्ट का डिस्कशन कंप्लीट होता है ठीक है थैंक यू